मैचिंग थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज इस ड्रेस के साथ हम मैचिंग कैप बनाएंगे। ये 5 नंबर कान्हाजी के लिए मैंने बनाई है। टोटल ये देखिए 1, 2, 3 पिंक कलर के हैं और 3 जो रो हैं व्हाइट कलर की हैं। 6 इसमें रो हैं, इसमें भी 6 रो हैं। ये 2 नंबर कान्हाजी की है, 3 नंबर कान्हाजी को भी ये आ जाएगी। और इससे अगर आपने बड़ी कैप बनानी है, वीडियो में मैंने हिसाब बताया है, ये दोनों मैंने बना के बताई हैं और बड़ी कैप का मैंने हिसाब बताया है। अगर आपने 7 और 8 नंबर में बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए हम ये कैप बनानी शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए 11 नंबर मैंने क्रोशे लिया है 3 mm। पहले एक लूप बना लेंगे। इस लूप में हम ये धागा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, ये 2, 3, 4, 5 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए। एक हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। तो ये 6 हो गए हमारे पास टोटल। आप इस तरह से खींच लें और यहां पर इसे हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। 1, 2, 3 थर्ड चेन में 1, 2, 3 यहां पर हमने स्लिप स्टिच बनाया। अब इसके बाद हम एक चेन लेंगे और यहीं पर जो हमने 3 की चेन बनाई है ये, इसे हम उठा लेंगे यहाँ से, ऐसे फ्रंट पोस्ट करेंगे यहाँ पर। तो चेन को हमने उठा लिया, चेन को उठाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम इसके साथ जो होल है, ये हमने जिसे उठाया है उसके साथ वाले होल में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी तरह से जैसे हमने ड्रेस में बनाया है। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, फ्रंट पोस्ट के साथ हमने डबल क्रोशिया बनाया था। तो स्टिच को कम्प्लीट नहीं करेंगे, कम्प्लीट हम इसे व्हाइट से करेंगे। जैसे सेम हमने ड्रेस में बनाया है उसी तरह से हमने कैप में भी बनाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशे को मैंने यहां से उठाया, हमने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद जहां पर हमने फ्रंट पोस्ट किया उसके साथ वाले होल में एक बार हमने डबल क्रोशे बनाया। तो एक बार हमने फ्रंट पोस्ट किया, एक बार हमने डबल क्रोशे बनाया। स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम दूसरे कलर से करेंगे। इस तरह से फिर हम नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट किया। पहले हमने फ्रंट पोस्ट करना है हर बार, फिर हमने जहां पर फ्रंट पोस्ट किया है, ये देखिए यहां पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, इसके साथ वाले बिल्कुल होल में एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है। स्टिच को कंप्लीट हमने व्हाइट से करना है। और ये वाले धागे को हम साथ साथ रखेंगे। अब ये नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे। यहां पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, अब ये साथ वाले होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिच को कंप्लीट करेंगे पिंक से। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाया हमने, फिर इसी के साथ होल में डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया के स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट हम व्हाइट से करेंगे।
फिर हम ये नेक्स्ट इसे उठा लेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाया, इसी के साथ होल में हमने डबल क्रोशिया बनाया, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट हमने पिंक से किया इसे। तो ये देखिए हमारे पास छः थे टोटल, जो डबल क्रोशे हमने ये पिंक रखे थे छः थे। तो एक हमने ये स्टार्ट में पिंक बनाया, एक ये पिंक, एक ये पिंक, तीन हमने पिंक बनाए, एक वाइट, एक वाइट, एक वाइट, तीन हमने वाइट बनाए, तो ये छः हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हमने राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए ये जो हमने स्टार्ट में फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट की चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसी फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे यहाँ से इस तरह से। उसके साथ हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया है पहले हमने, अब यहाँ पर हम दो बनाएंगे। तो यहीं पर होल में ये देखिए यहाँ होल में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो। पहले हमने ये टोटल दो बनाए थे, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया। अब हमने एक फ्रंट पोस्ट के साथ दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। स्टिच को कंप्लीट हम वाइट से करेंगे। तो ये देखिए सब जगह हमने दो दो बनाए हैं, दो पिंक हैं, दो ये वाइट हैं, तो सब में ये एक एक स्टिच बढ़ जाएगा। छः हमारे पास ये थे जो पैटर्न है, छः हैं, तो छः इस राउंड में ये बढ़ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर हमने स्टार्ट छः से किया था, फिर सेकंड राउंड में ये 12 हो गए, अब ये थर्ड राउंड में 18 हो जाएंगे। फ्रंट पोस्ट किया, यहाँ इसके साथ होल में हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक और दो। फिर हम ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर हम ये फ्रंट पोस्ट के साथ वाले होल में यहाँ पर दो बार बनाएंगे, एक दो, कंप्लीट करेंगे वाइट कलर से। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब जो तीन हो गए, एक दो तीन, तो राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए थ्री हमारी रो आई हैं पिंक की और थ्री वाइट की आई हैं। जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और यहीं पर जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे उठाकर हमने फ्रंट पोस्ट किया। इसके साथ वाले होल में हम डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए कैप की आपने शेप देखनी है, ये शेप थोड़ी खुल गई है। तो एक रो पहले मैं जैसे ये हमने तीन बनाए थे लास्ट में, थर्ड राउंड में हमने टोटल तीन बनाए थे, एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, दो हमने बनाए थे डबल क्रोशिया। तो इस रो में भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी, एक फ्रंट पोस्ट दो डबल क्रोशिया। इसमें हमने इंक्रीज नहीं किया, इंक्रीज नेक्स्ट में करेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। फिर इसके साथ वाले ये वाले धागे को हमने हर बार साथ रखना है। जब वाइट से बनाएंगे तो पिंक को साथ रखेंगे, जब पिंक से बनाएंगे तो वाइट को साथ रखेंगे। अब हमने वाइट को साथ रखना है, फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो ये रो आप इसी तरह से कंप्लीट कर ले, इसमें हमने इंक्रीज कोई नहीं किया।
तो रो कंप्लीट हो गई हमारी। पिंक कलर से मैंने इसे कंप्लीट किया है। पहला हमारा ये जो फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर आकर मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। थोड़ा सा वाइट कलर को खींच दिया हमने। तो ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट वाला राउंड है जिसमें हमने 6 लिए थे। फिर नेक्स्ट में ये 12 हो गए, फिर नेक्स्ट में ये 18 हो गए 18, और फिर नेक्स्ट में ये 18 है 18। दो बार हमने 18 रखे हैं। अब हम ये देखिए, यहाँ से ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दो बार 18 रखने हैं, आप यहाँ पर भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस राउंड में भी आप 24 कर सकते थे, लेकिन मैं नेक्स्ट में अब करूँगी 24, ताकि जो हैट है उसकी शेप अच्छी है। फ्रंट पोस्ट किया हमने इसके साथ वाले होल में। पहले हमने दो बार बनाया है लास्ट राउंड में, अब हमने 3 बार बनाना है। एक, दो और ये 3। कंप्लीट वाइट से करेंगे। तो 6 हमारे पास टोटल रो हैं। 6 को हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 6 रो हैं। एक रो में हम 4 बनाते हैं, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यहाँ पर 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 4 तो 24 हो जाएंगे इस रो में। ये यहाँ पर हमने स्टिच को कंप्लीट किया वाइट से। अब वाइट के ऊपर फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, सेम उसी तरह से इसके बाद बनेगा। इसके साथ होल में यहाँ पर हमने 2 वाइट बनाए हैं, अब हम 3 बनाएंगे। एक, दो और 3। थोड़ा सा इसे खींच लेंगे, हर बार जब भी आपने करना है इसे थोड़ा खींच लेना है दूसरे धागे को हल्का सा। कंप्लीट इससे करेंगे इसी तरह से। ये देखिए, वाइट भी लूज हो जाता है, इसे थोड़ा सा ऐसे खींच के रखेंगे और यहाँ पर इसे साथ में रखेंगे। तो ये राउंड फिर आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। ये देखिए, यहाँ पर ये होल बन जाता है, इसे थोड़ा सा खींचेंगे तो ये कवर हो जाता है। राउंड को कंप्लीट करेंगे, ये देखिए स्टिच को कंप्लीट करेंगे हम। ये 3 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हमने पिंक कलर से स्टिच को कंप्लीट किया और यहाँ पर आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर स्लिप स्टिच से। तो टोटल राउंड यहाँ पर मेरे बने 1, 2, 3, 4, 5, 5 बनाए हैं मैंने अभी। ये देखिए, अगर आपको ये छोटी लगती है तो आप एक रो और बना सकते हैं सेम स्टिच के साथ। स्टिच आप इंक्रीज ना करें, नहीं तो ये ज़्यादा खुल जाएगी 5 नंबर के लिए। तो मैं एक राउंड और बना लेती हूँ यहाँ पर। एक बना सकते हैं या नहीं भी बनाना, शॉर्ट में रखनी है तो शॉर्ट में भी रख सकते हैं। एक हमने किनारी का राउंड बनाना है, तो चाहे तो आप इसके बाद एक राउंड और बना ले, उसके बाद किनारी बना ले जैसे ये हमने बनाई है, चाहे आप इसी के बाद किनारी बना ले, तो आप कैप की लेंथ के अकॉर्डिंग बना ले। मैं यहाँ पर एक राउंड और बनाऊंगी, उसके बाद किनारी बनाऊंगी सेम स्टिच के साथ। मैं एक राउंड और बना लूंगी। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, इसके साथ वाले होल में हम 3 बार बनाएंगे। 1, 2, 3। कंप्लीट करेंगे वाइट से, सेम बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट राउंड बनाया है उसी तरह से बना लेंगे 24 स्टिच के साथ। तो आप इसे कंप्लीट कर ले। तो राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद इसे पिंक से ज्वाइन करेंगे।
पिंक से हमने ये पहले कंप्लीट किया स्टिच को, उसके बाद ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया। ये देखिए ये होल है, थोड़ा सा वाइट कलर के धागे को खींचेंगे तो ये कवर हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए ये बनी हमारे पास 24, लास्ट में मेरे पास डबल क्रोशे हैं फ्रंट पोस्ट को मिलाकर। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी किनारी बनानी है इसकी, तो सेम इसी तरह से बनानी है। एक हमने चेन ली, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट को उठाया, फ्रंट पोस्ट किया है, किनारी में बस हमने यही चेंज करना है। यहाँ पर हमने तीन लिए हैं डबल क्रोशिए, एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, तीन डबल क्रोशिए बनाए हैं। तो यहाँ पर हम होल में अब 6 बार बनाएंगे डबल क्रोशिए, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए ये हमने बनाया फ्रंट पोस्ट, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बार बनाया। स्टिच को कंप्लीट करेंगे हम वाइट कलर से। बनाना हमने सेम है, बस हमने इसमें 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं। होल में 6 बार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कंप्लीट हम इसे दूसरे कलर से करेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी किनारी बन जाएगी। यहाँ पर आप 6 बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। ये देखिए मुझे किनारी थोड़ी छोटी लगती है, तो मैं यहाँ पर अब 7 बनाऊंगी इसे निकाल के। तो आप 7 बनाएं यहाँ पर डबल क्रोशिए, ये 7, 7 से थोड़ी किनारी और बढ़िया आएगी। बस इसके बाद बाकी वही रहना है, यहाँ पर 7 बार बनाएंगे वाइट से। कंप्लीट करेंगे इसे पिंक से इस तरह से। तो ये देखिए अब मैंने ये 7 की बना दी, थोड़ी ये किनारी बड़ी आई है। तो 7 मैंने यहाँ वाइट से बना लिए, पिंक कलर से हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए वाइट में यहाँ पर होल है, थोड़ा सा इसे खींच लेंगे तो ये होल कवर हो जाएगा। एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। तो ये देखिए पहले हमने यहाँ पर 6 बनाए थे डबल क्रोशिए, एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, अब मैंने एक फ्रंट पोस्ट के साथ 7 बना दिए। तो ये देखिए ये थोड़ा खुल गई क्या है, किनारी इसकी बड़ी हो गई। तो ये 5 नंबर कान्हाजी की हैट तैयार है। इसी तरह से सेम हम 2 नंबर कान्हाजी की भी बना लेंगे। यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 3 चेन लिए, यहाँ लूप में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। एक हमारी साइड वाली चेन, तो ये टोटल 6 हो गए। इसको खींच देंगे, यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे। पहले जो हमारी ये 3 की चेन है स्टार्ट में, देखिए इसे उठाएंगे फ्रंट पोस्ट करेंगे।
सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है पहला राउंड, उसी तरह से बनाना है। पहला तो हमने बना लिया दूसरा राउंड फ्रंट पोस्ट वाला। इसके साथ होल में हम बिल्कुल इसके साथ वाले होल में एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, वाइट कलर से हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाएंगे यहाँ से। कोई भी हमने डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, फ्रंट पोस्ट बनाने हैं यहाँ पर। ये फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हमने इसी के बिल्कुल साथ वाले होल में यहाँ पर, ये देखिए इसे हमने उठाया है इसके साथ वाले होल में एक बार हमने, पहले हमारे पास एक है, अब हम दो बनाते जा रहे हैं। एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक उसी जगह हम वाइट से डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्टिच को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया उठाएंगे, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाले होल में ये वाइट कलर के धागे को साथ रखेंगे। साथ वाले होल में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट वाइट से करेंगे। नेक्स्ट हमने डबल क्रोशिया उठा लिया, जैसे यहाँ पर हमारे पास छः हैं, यहाँ पर भी छः आएंगे। कंप्लीट करेंगे हम दूसरे कलर से। फिर होल में बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं हम और एक हमने बनाया है साथ में डबल क्रोशिया, स्टिच को कंप्लीट किया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठा लिया हमने, फिर यहाँ पर हम होल में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए उसी तरह से ये तीन हमारे पास आए हैं पिंक और तीन हमारे पास वाइट आए हैं, कंप्लीट करेंगे। बस इसमें हमने रो कम बनानी है, थोड़ा यही हमने ध्यान रखना है। ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास पहले ये 6 थे, अब ये हमारे पास 12 हो गए, 12। अब इस राउंड में हम थर्ड राउंड में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, 12 के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने एक चेन ली, ये डबल क्रोशिए, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है पहला, इसे हम उठा लेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से फ्रंट पोस्ट को उठाकर हमने फ्रंट पोस्ट किया, इसके साथ वाले यहाँ होल में हम दो बार बनाएंगे, एक बार बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट, एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसमें हमने इंक्रीज नहीं करना, नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे। इसमें इंक्रीज कर देंगे तो कैप ज़्यादा खुल जाएगी। तो इस राउंड को आप सेम इसी तरह से बना ले, इसके साथ वाले होल में एक बार इसको साथ में थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है। हमने राउंड को ज्वाइन करेंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर, फिर एक चेन लेंगे। तो ये दो हमने, एक हमने स्टार्ट में बनाया, उसके बाद दो और बनाए, तीन हो गए। अब फोर्थ राउंड में हमने 18 बना देने हैं। देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, इसके साथ वाले होल में हम दो बार बनाएंगे। तो एक फ्रंट पोस्ट, दो हमारे डबल क्रोशिए, तो तीन हो गए, 6 हमारे पास ये टोटल रो हैं। तो ये इस तरह से ये 18 बन जाएंगे, 18। ये हमने फ्रंट पोस्ट को उठाना है इस तरह से। ये धागे को साथ रखेंगे, राउंड को स्टिच को कंप्लीट करेंगे इसके साथ। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हमारे पास ये 18 हो जाएंगे।
राउंड को ज्वाइन करेंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो चेन है वहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से ये 18 स्टिच के साथ इतनी खुली बनी है ये। अब ये जैसे हमने ये किनारी बनाई है, फ्रंट पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट है उसके साथ हमने 7 किए हैं डबल क्रोशिए, तो आप यहाँ पर 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। एक चेन ली हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर, फ्रंट पोस्ट किया और उसके बाद ये धागे को साथ रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। लास्ट राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पर हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 बना सकते हैं या 6 बना सकते हैं, आप बना के देख लें। अगर आपको ये कम लगे तो आप और बना लें, तो 6 बना लें। तो इसी तरह से ये हम राउंड कंप्लीट करेंगे, स्टिच को कंप्लीट किया, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये छोटे कान्हा जी की हैट बन गई, ये 5 नंबर। तो ये तो हो गई छोटी हैट और ये हो गई 5 नंबर कान्हा जी की हैट। लेकिन अगर आपने इसे 7 8 बड़े में बनाना है तो आप यहाँ पर हमने जैसे 6 से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पर 8 से स्टार्ट कर सकते हैं। 7 आप स्टार्ट में डबल क्रोशिया बनाएं, एक साइड वाली चेन, तो ये 8 हो जाएंगे शुरू में। तो 8 हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आप उसके 16 कर दें, थर्ड राउंड में फिर 16 ही रखें, फोर्थ राउंड में आप 24 कर दें 24, और फिफ्थ राउंड में फिर 24 रखें, फिर आप उसे सिक्स राउंड में 32 कर दें, फिर सेवन्थ में 32 रखें, और फिर 8वें राउंड में आप किनारी बना लें अगर आपने बड़ी बनानी है हेड। अगर आपको 8 राउंड ज्यादा लगते हैं तो जो 7वें राउंड में आपने 6 और 7th में आपने 32 32 रखे हैं तो आप 7th में 32 ना रखें, 7th वाले राउंड में किनारी बना दें। एक बार आप 32 वाला राउंड बना लें और उसके बाद आप किनारी का बना लें। किनारी में जैसे हमने यहाँ पर 7 रखे हैं डबल क्रोशिए, 7 में एक फ्रंट पोस्ट 8 रखे हैं, तो वहां पर आप ये 7 डबल क्रोशिए की जगह पर आप 9 डबल क्रोशिए भी ले सकते हैं, 9 और 1 ये फ्रंट पोस्ट, तो 10 हो जाएंगे। 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं किनारे के लिए, ताकि ये यहां से ऐसे फ्रिल की तरह बने। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।